गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग टुमारो प्लानिंग बताना सीखेंगे। टुमारो प्लानिंग मींस क्या होता है, हम जो भी काम कल करने वाले हैं या फिर अभी के बाद जो भी हम काम करने वाले हैं उसे बताने के लिए हम जो टेंस यूज करते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूचर सिंपल टेंस। और इसी फ्यूचर सिंपल टेंस के अफर्मेटिव फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आज आप लोग क्या सीखने वाले हैं, टुमारो प्लानिंग बताना या अपने नेक्स्ट कामों के बारे में बताना। जैसे हम अक्सर बोलते रहते हैं, यार मैं ये करूंगा या मैं थोड़ी देर बाद मैं वहां जाऊंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं वैसा करूंगा, है ना। तो जहां पर क्या होता है, हिंदी सेंटेंस के अंत में गा गी गे आता है, मतलब समझ लीजिए आप क्या बता रहे हैं, अपना नेक्स्ट वर्क या टुमारो प्लानिंग। तो गाइस मैं आप लोगों को अपनी टुमारो प्लानिंग के बारे में एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहा हूँ, उसी तरह से आप भी इसे बनाए और आपकी और मेरी टुमारो प्लानिंग में केवल क्या चेंजेस आएगा अपने कामों में, क्योंकि हो सकता है मेरे काम कुछ अलग हो और आपके काम कुछ अलग हो। तो इस तरह से कामों में चेंजेस आएगा, मतलब आपको हर जगह वर्ब चेंज करनी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट बिल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और यहां आप क्या चेंज करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब तुम्हारे काम और मेरे काम चेंज होंगे, बाकी सब जैसे का वैसा रहने वाला है। और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर दो कंजक्शन यूज करेंगे, या तो हम लेंगे क्या आफ्टर दैट, मतलब उसके बाद, या फिर कहीं कहीं हम यूज करेंगे क्या देन, मतलब तब। जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना, यार मैं खाना खाऊंगा तब मैं ये करूंगा, या मैं वहां जाऊंगा उसके बाद में वो करूंगा। तो यहाँ उसके बाद और तब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आफ्टर दैट और देन। तो इन चीजों को आप देखें और तैयार बोलते हैं हम अपना टुमारो प्लानिंग। तो सभी को आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, और जब भी आपको कोई भी अपने अगले कामों के बारे में बताना है तो आप इस सब्जेक्ट बिल भी वन फॉर्मूला को फॉलो करें और बताएं, है ना। जैसे देखिए, मैं टुमारो प्लानिंग बताने के पहले हम लोग को आपको बता दूं, जैसे हम कई बार बोलते हैं यार मैं 5 बजे छिंदवाड़ा जाऊंगा, तो क्या होगा, जाऊंगा गा रहा लास्ट में, क्या होगा, मैं के लिए आई विल और जाने की फर्स्ट फॉर्म को, तो क्या हो जाएगा, आई विल गो छिंदवाड़ा एट 5 o'clock, है ना, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, तो क्या होगा, फिर आ रहेगा तो क्या होगा, आई विल नॉट टॉक टू यू, यस मैं पूछूंगा, यस आई विल आस्क, तुम आओगे, यू विल कम। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं आप लोग, गाइस सब्जेक्ट बिल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके अकॉर्डिंग आप जो भी आने वाला अपना आगे का काम है उसे बता सकते हैं, है ना। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, यहाँ हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग यार चलते फिरते देखते कि यार कोई बोलता मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, तो वो हमें यहाँ रट्टा मारने की जरूरत नहीं। सिंपल सा फॉर्मूला देखें क्या, सब्जेक्ट बिल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो भी आपके अगले काम है उसको उस अकॉर्डिंग बताएं, है ना। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं क्या अपना टुमारो प्लानिंग। तो देखते हैं टुमारो प्लानिंग, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं, मैं 5 बजे उठूंगा, है ना, या जागूंगा, तो क्या होगा, आई विल अराइज एट 5 o'clock, यस, उसके बाद मैं फ्रेश होऊंगा, यस, तो क्या होगा, आफ्टर दैट आई विल मेक फ्रेश, उसके बाद मैं घूमने जाऊंगा, या उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक में जाऊंगा, तो क्या होगा, आफ्टर दैट आई विल गो टू मॉर्निंग वॉक, उसके बाद मैं वापस आऊंगा, आफ्टर दैट आई विल कम बैक, उसके बाद मैं फ्रेश होऊंगा, आफ्टर दैट आई विल मेक फ्रेश, उसके बाद या तब मैं नाश्ता करूंगा, देन आई विल टेक ब्रेकफास्ट। तो जो भी खाने पीने की चीजें हैं उसके साथ आप टेक शब्द यूज कर सकते हैं, है ना। तो आई विल टेक ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं क्लासेस लूंगा, आफ्टर दैट आई विल गिव क्लासेस। तो यहाँ गाइस मैं गिव क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्लास दूंगा, है ना, और जो स्टूडेंट है वो बोलेंगे आई विल टेक क्लास, क्योंकि आप वहां से लेते हैं और मैं देने वाला हूं ना एज अ टीचर, तो क्या होगा, आई विल गिव क्लासेस। उसके बाद मैं लंच करूंगा, आफ्टर दैट आई विल टेक लंच, उसके बाद मैं स्कूल जाऊंगा, आफ्टर दैट आई विल गो टू स्कूल, तब मैं पढ़ाऊंगा, देन आई विल टीच देयर, उसके बाद मैं 4 बजे घर वापस आऊंगा, आफ्टर दैट आई विल कम बैक होम एट 4 o'clock, उसके बाद मैं फ्रेश होऊंगा, आफ्टर दैट आई विल मेक फ्रेश, उसके बाद मैं फिर से क्लास लूंगा, आफ्टर दैट आई विल अगेन टेक क्लासेस, उसके बाद मैं
अपने दोस्तों से मिलूंगा, आफ्टर दैट आई विल मीट विथ माय फ्रेंड्स, उसके बाद लगभग 8 बजे मैं डिनर करूंगा, तो क्या होगा, आफ्टर दैट आई विल टेक डिनर एट अराउंड 8 o'clock, उसके बाद मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूंगा, आफ्टर दैट आई विल स्टडी सम टाइम, उसके बाद मैं थोड़ी देर मोबाइल चलाऊंगा, आफ्टर दैट आई विल ऑपरेट मोबाइल सम टाइम, उसके बाद मैं सो जाऊंगा, क्या होगा, आफ्टर दैट आई विल स्लीप। तो ये था मेरा टुमारो प्लानिंग कि मैं कल क्या क्या करने वाला हूँ, है ना। उसी तरह से आपका भी अपना अपना टुमारो प्लानिंग होता होगा, तो आप उसे पहले हिंदी में लिखें, फॉर्मूला लिखें, सब्जेक्ट विल और सारी वर्ब्स याद करें कि आप जो जो करते हैं, और उसे लिखें और बना के बोलने की कोशिश करें। और साथ ही इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इस टेंस का जो यूज है वो टुमारो प्लानिंग, जैसे यार कि अगले साल मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर मैं वहां जाऊंगा, फिर मैं उससे मिलूंगा, है ना, फिर मैं अपनी लाइफ सेटल करूंगा, इस तरह से, जैसे मतलब क्या हो गया, ये हमारा टुमारो मतलब फ्यूचर प्लानिंग। तो फ्यूचर प्लानिंग भी आप इसी टेंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, है ना। तो आई होप आप इसे पूरा तरह से समझ गए होंगे। तो जब भी अब आपको हिंदी सेंटेंस के अंत में आता है क्या, गा गी गे, आप अपना नेक्स्ट प्लान कर रहे हो या टुमारो प्लान कर रहे हो, तो उसके लिए आप सब्जेक्ट विल बी वन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फॉर्मूला को फॉलो करें और सेंटेंस बनाएं और एक दूसरे के साथ बोलने की कोशिश करें। ओके गाइस, और हमारे वीडियोस के साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।